जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म की बातें पर। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि भगवान श्री राम का नाम कितनी बार लिया जाए, कि आज हमारा भगवान श्री राम का नाम लेने की संख्या पूर्ण हो गई है। तो आज इसका उत्तर हम भगवान शिव के द्वारा बोली गई रामचरितमानस में चौपाइयों के द्वारा देने जा रहे हैं कि आपको भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री राम की भक्ति कितनी टाइम तक करनी है, उनकी वंदना कितनी टाइम तक करनी है। भगवान श्री भोले बाबा माता पार्वती को संदेश देते हैं, श्री राम जी की भक्ति का महत्व बतलाते हैं और उसी समय बाबा तुलसीदास जी उसी समय की चौपाइयाँ लिखते हैं। वह चौपाइयाँ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, श्री रामचरितमानस की वह चौपाइयाँ सुनने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट पर जय श्री राम जरूर लिखें। भोले बाबा क्या संदेश देते हैं कि भगवान श्री राम का नाम कितनी बार लेना पर्याप्त है, वह रामचरितमानस के माध्यम से सुनिए और जानिए। रामचरितमानस की वह चौपाइयाँ हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेउ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेउ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। अर्थात भगवान श्री राम के नाम का जितना जाप किया जाए, जितनी उनकी भक्ति की जाए, वह कमी है। भगवान श्री राम की भक्ति का रस लेने के लिए हमें उनको निरंतर सोते उठते जागते बैठते उनका जप करना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।